मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य का नई रेलगाड़ी की सौगात मिली है। प्रवचक बता रही कि यह रेलगाड़ी जो है रीवा से रानी कमलापति जो है स्टेशन जई जौने का हरी झंडी दिखाए के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा रवाना कीनगा। और यह ट्रेन मा पहला सफर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा खुद कीनगा। यह रेलगाड़ी से जुड़ी पूरी जानकारी लेके आए हैं कि यह कौने स्टेशन मा कै बजे पहुंची और कै बजे शुरुआत एकर मतलब कै बजे चली यह ट्रेन रीवा से और कै बजे पहुंची भोपाल, पूरी खबर लेके आए हैं। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष तिवारी अपने पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां प्रवचक बताया दी कि विंध्य क्षेत्र का नई रेलगाड़ी के रूप में बड़ी सौगात मिली है। शनिवार के दोपहर दिल्ली से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल शुभारंभ किया। वही रीवा रेलवे स्टेशन में मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सांसद जनार्दन मिश्रा के मौजूदगी में ट्रेन का हरी झंडी दिखाई गई। एक बाद विधानसभा अध्यक्ष खुद सफर कर भोपाल की तरफ रवाना हुई। रेल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि गाड़ी संख्या 02196 रीवा कमलापति साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन प्रत्येक शनिवार का दोपहर 2:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जो 3:25 में जो है सत्ता पहुंची। फिर मैहर 4:03 में कट्टी मुड़वारा जो है 4:55 में दमोह 6:40 में सागर 7:45 में बीना 9:15 में विदिशा जो है 10:20 में 11:25 में जो है रात के रानी कमलापति स्टेशन पहुंची। यह गाड़ी में एक वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी है, एक वातानुकूलित जो है द्वितीय श्रेणी है, 4 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी है, 11 स्लीपर श्रेणी है और 2 सामान्य श्रेणी और 2 LSRD सहित कुल 21 कोच के साथ यह ट्रेन चली। अपना प्रवचक बता दी कि शनिवार के दोपहर 2:30 गाड़ी संख्या 02195 साप्ताहिक ट्रेन जो है रानी कमलापति स्टेशन से चल के 11:35 में रीवा जो है पहुंची। RKMP स्टेशन से ट्रेन 2:30 पर जो है प्रारंभ हुई के विदिशा 3:24, बीना 4:40, सागर 6 बजे, दमोह 7:05 में, कटनी मुड़वारा जो है 8:50 में, मैहर 10 बजे और सतना जो है 10:30 बजे और 11:35 पर रीवा स्टेशन पर पहुंची। यह रैक मां एक जो है वातानुकूलित मतलब AC प्रथम सह द्वितीय श्रेणी रही, एक वातानुकूलित मतलब AC द्वितीय श्रेणी रही और 4 वातानुकूलित मतलब तृतीय श्रेणी रही, 13 सैनान श्रेणी मतलब स्लीपर रही, 12 और 4 सामान्य श्रेणी और 2 LSRD सहित कुल 24 कोच के साथ चली। अपना प्रतीक बताया दी रीवा रेलवे स्टेशन से अभी जो है 5 ट्रेन नियमित चल रही हैं। रीवा जबलपुर इंटरसिटी, रीवा जबलपुर शटल, रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट, रीवा रानी कमलापति रेवांचल सुपरफास्ट, रीवा बिलासपुर रोजाना चल रही है। वहीं रीवा इतवारी नागपुर और रीवा इंदौर जो है सप्ताह में 3 दिन चल रही है, जबकि रीवा बड़ोदरा और रीवा राजकोट सप्ताह में 1 दिन चल रही है। अब रीवा जो है RKMP मतलब रानी कमलापति जो स्टेशन के जो यह नई साप्ताहिक ट्रेन जुड़ गई है तो यह 10वीं यात्री गाड़ी हुई। तो निश्चित तौर पर विंध्य का यह एक बेहद बड़ी सौगात मिली है। कहे कि रेवांचल में अक्सर देखा जाता है कि अधिकतम भीड़ होने के चलते बहुत लोग जो है राजधानी के सफर से वंचित रह जाते हैं, जोने के चलते अब वह समस्या का देखत कि शनिवार का यह स्पेशल ट्रेन जो है शुरुआत कई दिन गई ही, जो एक बेहद बड़ी सौगात मानी जा रही। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।